गर्मा गर्म नाश्ता खाते हुए हमने की तीसरे दिन की शुरुआत। खाने के बाद पैकिंग शैकिंग कंप्लीट करके नैनीताल को अलविदा बोल के हम पहुंचे चाय पीने के लिए रानीखेत के इस गोल्फ कोर्स में। गोल्फ कोर्स में हमें कोई भी दिखा नहीं, इसीलिए कुछ फोटोज और वीडियोस लेकर हम आगे बढ़ गए। पता चला पास ही में है एक दुर्गा काली मंदिर। गोल्फ कोर्स खाली मिला था हमें, पर मंदिर में कुछ लोग आए हुए थे। अष्टमी के दिन दुर्गा माँ का दर्शन करके इतने अच्छे से पूजा दे पाना शायद हमारे किस्मत में लिखा था। मंदिर में कुछ देर बिताने के बाद मम्मी पापा ने चाय पी, फिर सफर शुरू की हमने और चलते चलते ले ली एक लंच ब्रेक सोमेश्वर वैली में। लंच करके कुछ दूर जाके हम पहुँचे गांधी अनाशक्ति आश्रम जो कि है कौसानी में। अब इस जगह के बारे में क्या ही बोलूं। अनाशक्ति आश्रम में गांधी जी 14 दिन तक रुके थे साल 1929 में, जब उन्होंने यही पे लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ अनाशक्ति योग। ये जगह इतनी शांत थी कि मेडिटेट करने का मन करेगा जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पर हम जैसे टूरिस्ट के लिए इस जगह की खूबसूरती काफी है। आश्रम देखकर फिर हम गए कौसानी शॉल फैक्ट्री में, ढेर सारी खरीदारी करके फिर हम पहुँचे हमारी होटल यानी नेचर्स वैली रिसोर्ट में। सनसेट के टाइम पे हम पहुँचे थे तो और कहीं पे भी जाने का इरादा नहीं था, इसीलिए चेक इन कर ली। उसके बाद फ्रेशन अप होके रूम्स एक्सप्लोर करके हमने शाम की चाय का मजा लिया। रात को फिर टेस्टी वाला डिनर करके दूध और खजूर खा के गुड नाइट कौसानी बोल के डे 3 को किया खत्म।